दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल और क्रेजी है हम के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और अशोक सर के रिक्वेस्ट पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं तीनों फिल्म के बारे में, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन और कार्तिकेय 2। तो सिकंदर भाई, क्या लगता है कार्तिकेय 2 ने दो बड़े सुपरस्टार या फिर मेगास्टार कहे, उन दोनों से बेहतर कलेक्शन किया है? क्या हो गया है, क्या हो गया बॉलीवुड को, क्या हो गया है तो मेरे को भी नहीं मालूम। अक्षय कुमार और आमिर खान दो बड़े सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस पे फेलियर, मतलब कि मेरे वो सपने में भी नहीं सोचा था मैं कि ऐसा कुछ होने वाला। और कार्तिकिया निखिल सिद्धार्था जिनको नॉर्थ में कोई पहचानते भी नहीं है, 100 में 5% पहचानते होंगे नॉर्थ वाले, लेकिन आज के डेट्स में निखिल सिद्धार्था को 100 में 95% लोग जान चुकी है। और कलेक्शन की बात करें तो इनकी जो बजट थी मूवी की, अब देख लो सूर्या भाई, 15 करोड़ बजट है, वो हिंदी वर्जन से ही आ गया उसका। हाँ वो तो आ गया, तो बजट तो यही पे निकल गया। और वैसे भी कल के कलेक्शन की बात करें तो 4 करोड़, कल नहीं संडे का 4 करोड़ था, कल की बात करें मंडे का जो इसका 10वां दिन, उस दिन इस फिल्म ने 98 लाख की कमाई की, 98 लाख की, और लाल सिंह चड्ढा ने 50 लाख की और रक्षाबंधन 40 लाख की, यानी कि अभी भी आगे। तो कई सारे लोग जो बोलते हैं ना कि भाई कलेक्शन से हम लोग तोलते हैं स्टारडम, बड़ी बात ये है कलेक्शन से तोला जाए स्टारडम सिकंदर भाई, तो फिर समझ गए ना क्या कौन आ गया है कलेक्शन से तोले ना, तो भाई पर तो निखिल से दर्ताबाजी मार गए, वही बोल रहे हैं ना बात, वही तो बात है, सुपरस्टार सिर्फ नाम के रह गए वो लोग, अब यही है ना, वही बात हो गई। तो आपको बता दूं मैं कि जब ये रिलीज हुई थी ये पिक्चर अपना कार्तिकेय 2, उसको फर्स्ट स्क्रीन मिला था 60। हाँ। आज के डेट में देखो उनके पास, मतलब कि एक अच्छी कंटेंट की जीत हुई है ये बोल सकते हैं, 1200 के ऊपर स्क्रीन है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि आने वाली फिल्म लाइगर को भी टक्कर देगी, मेरे को तो ऐसे भी लग रहा है भाई। नहीं, लाइगर को टक्कर नहीं देगी मेरे को, जहाँ तक पता इसलिए कि लाइगर एक अलग मूवी है। हाँ। और उसमें विजय देवरकोंडा खासकर साउथ, उनका जो फेस वैल्यू है ना वो अलग ही है, उनका अलग लेवल की उनके फैन फॉलोइंग है, स्टारडम अच्छी है उनकी, तो जाहिर सी बात है वो चलेंगे वहाँ पे। तो क्या लगता है सिकंदर, क्या बदल गया है ऑडियंस सलमान सॉरी अक्षय कुमार को ही देख रही है, आमिर खान को ही देख रही है, अजय देवगन को ही देख रही है, ऑडियंस निखिल सिद्धार्थ को देख रही है, कि बात क्या है? आमिर खान की बात नहीं है। अच्छा। ऑडियंस आमिर खान को भी देखेगी, अच्छा अक्षय कुमार को भी देखेगी। हाँ। लेकिन ऑडियंस आजकल कंटेंट देख रही है, आज के ऑडियंस क्या हो गया पता है कि कोई भी बड़े सुपरस्टार जैसे सलमान हो, अक्षय हो, आमिर हो, ये लोगों को नहीं देखेंगे, वो लोगों को चाहिए अच्छी कंटेंट, बस वो लोग ये देखते हैं आज के डेट में, मैं ये बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। तो आपने भी सपोर्ट किया था कार्तिक 2 को, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, मैंने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, और हम लोग ने एक शुरुआत की थी एक अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए, मैं ये बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। तो आपने भी सपोर्ट किया था कार्तिक 2 को, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, मैंने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, और हम लोग ने एक शुरुआत की थी एक अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए। क्या लगता है पब्लिक आजकल अच्छे कंटेंट को बिना प्रमोशन के भाप लेती है? वो कार्तिक क्या देख लो आप, कोई प्रमोशन नहीं, हमारे सामने पोस्टर लगाया था, अचानक से मालूम चला, अचानक से ट्रेलर आया दो दिन पहले, मतलब फटाफट हुआ हर चीज, फटाफट हुआ और फटाफट हिट भी हो गया वो, ऐसा हुआ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आमिर खान घूम रहे साउथ इंडिया, यहाँ वहाँ प्रमोशन कर रहे थे लाल सिंह चड्ढा का, अक्षय कुमार पूरे इंडिया लंडन कहाँ कहाँ घूम के आ गए, पूरी बोलते पूरी दुनिया का शेयर कर लिए वो, तो फिर क्या हो गया, पब्लिक क्यों नहीं जा रही लोग पिक्चर के लिए यार? पता नहीं अभी पब्लिक क्या चाहती है, जो हमारे ऑडियंस जो देख रही है वीडियो, अब वही लोग कमेंट्स करके बताएं कि आखिर पब्लिक क्या चाहती है। मुझे लग रहा है आपने आंसर उसका खुद दे दिया है, मुझे लग रहा है पब्लिक चाहती है कंटेंट, मेरे को भी बड़ी फिल्म है, अच्छी फिल्म है जिसमें गाने ओरिजिनल हो, बस स्टोरी ओरिजिनल हो, जो किसी का रीमेक ना हो, और जिसे सिर्फ पैसे के लिए नहीं पैशन से बनाया जाए, बहुत ही उसमें जान डाली जाए, मेहनत हो, फालतू की एक्ट्रेस नहीं, फालतू के एक्टर नहीं, जो डिजर्व करता है वो एक्टर्स हो, तभी शायद बॉलीवुड का कुछ भला होगा, तभी हो सकता बॉलीवुड का। मैं बराबर बोले आपने, जितने भी बात बोला आप ना बराबर बोले, अभी ना वही चीज चाहिए पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक अभी बहुत तेज हो चुकी है, लॉकडाउन में अच्छी अच्छी कंटेंट देख चुकी है, लॉकडाउन ये जो लॉकडाउन लगा ना 2 साल का, यहाँ पे सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ है बॉलीवुड को कि लोग कंटेंट देख के ना अच्छे अच्छे दिमाग में घुस गए, और अभी ना बॉलीवुड को सिर्फ एक अच्छी कंटेंट की जरूरत है, कुछ भी बना के मत परोसो पब्लिक के। जाते जाते एक और चीज़ पे डिस्कस करना चाहूँगा, आमिर खान के फैन अक्षय कुमार के फैन से लड़ रहे थे कि भाई तुम्हारी पिक्चर 40 दिन में 45 दिन में, और अक्षय कुमार फैन बोले आमिर खान को यार 4 साल बाद आता है ये वो, उसी पिछली फिल्म
फ्लॉप गई थी, दोनों आपस में लड़ रहे थे, बाजी तीसरा मार ले गया, ये क्या हो गया? अरे वही है, एक कहावत, क्या हो गया, एक कहावत है ना, तुम लड़ोगे तीसरा फायदा उठाएगा, लड़ गए लोग, चला गया अपना फायदा लेके। यानी कि बॉलीवुड में आपस में जो फैंस वॉर हो रहे उससे तो दिक्कत है ही है, और इसके अलावा कंटेंट नहीं चल, उसकी वजह से और दिक्कत है। एट द एंड ऑफ द डे हमने यही सबक सीखा है कि कोई तीसरा बाजी ना मार ले, इसलिए बॉलीवुड को साथ में आना चाहिए था। अक्षय और आमिर को पहली बार तो क्लैश ही नहीं करना चाहिए था, क्या क्या बोलते हो? बराबर है, एक हफ्ता, एक वीक पहले आमिर को आ जाना चाहिए था। रक्षाबंधन डिजर्व करती थी, रक्षाबंधन वो पहले रिलीज डेट था, वो सही था, वो अपना टाइम पे सही आया क्योंकि उसका टाइटल ही था रक्षाबंधन, तो डिजर्व करती थी उसी दिन रिलीज होना, लेकिन लाल को पहले आ सकते थे वो। खैर जो भी हो, अभी बॉलीवुड के जितने भी फैंस है, चाहे आमिर हो, सलमान का फैन, अभी सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके बॉलीवुड आगे जाएगी। हमको तो दिख रहा यही है कि बॉलीवुड खत्म होते दिख रहा है, मेरे को जहां तक मैं देख रहा हूँ जिस नजर। तुमको एक चीज पता है सिकंदर, ये दो दिन रिलीज होना, लेकिन लाल को पहले आ सकते थे वो। खैर जो भी हो, अभी बॉलीवुड के जितने भी फैंस है, चाहे आमिर हो, सलमान का फैन, अभी सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके बॉलीवुड आगे जाएगी। हमको तो दिख रहा यही है कि बॉलीवुड खत्म होते दिख रहा है, मेरे को जहां तक मैं देख रहा हूँ जिस नजर। तुमको एक चीज पता है सिकंदर, ये दो बड़ी फिल्म पे ना बहुत लोगों की नजर थी, ट्रेड वालों की, साउथ वालों की, और हम लोग के यूट्यूब की बैंड बजी पड़ी है दोस्तों। हमको लगा था हम लोग कुछ कमाएंगे धमाएंगे, लेकिन ये पिक्चर ऐसे डूबी है, ऐसे डूब गई है, मैं तो बोलूं दोनों ही पिक्चर की, हम लोग की खुद फटी पड़ी है, समुद्र में नाव डूब जाता ना, उसी तरह पिक्चर डूब गया है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपके कमेंट्स या टिप्पणियां तो जरूर बताइए, और क्या लगता है दोनों ही फिल्में फ्लॉप होने का क्या रीजन है जरूर बताएगा। साथ ही साथ ऑटो लेंकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्रेजी है हम, सो आप लोगों को कैसा लगता है ये हमें जरूर। जी जी जी, बहुत जल्दी अशोक सर के साथ हम मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।